फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है आपका सामान्य ज्ञान का वीडियो। इसमें जो है सो आपको सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें जो है सामान्य ज्ञान का 20 ऐसे प्रश्न मिला है जो आपके पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन है जो आपके पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा एग्जाम के लिए जो है सो महत्वपूर्ण रह सकता है, इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो वीडियो को जो है सो ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है सो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप आसानी से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये जो है आपको याद रखना है, वर्ष 1951-52, वर्ष 1951-52 में जो है सो पंचवर्षीय योजना जो है सो शुरू हुआ था, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में जो है सो भारत सरकार ने देश के 14 बैंक का जो है सो राष्ट्रीयकरण किए थे, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो है सो अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री जो है सो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इसका जो है सो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, वर्ष 1998, वर्ष 1999 में, इसमें जो है सो आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है सो लागू किया गया था, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मरीना तट। मरीना तट जो है सबसे लंबा समुद्र तट है, तो ये जो है सो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों, जिसको हम इंग्लिश में 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसका जो है सो सदस्य है? ये जो है सो आपको याद रखना है, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है सो 7 सिस्टर्स का सदस्य है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो ये जो है सो इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा 3, 3 देशों के साथ जो है सो पश्चिम बंगाल का सीमा लगती है, तो ये जो है सो ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, आपको इसमें ये बताना कि ये वो कौन सा 3 देश है जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती है, तो ये जो है सो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये जो है सो आपको याद रखना होगा, 1893, 1893 में जो है सो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है सो विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, सितंबर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में वैदिक ज्ञान पर भाषण देकर के जो है सो भारत का मान बढ़ाया था, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, शिकागो जो है सो ये यूएसए में है, तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 24 दिसंबर 2017 को किस देश ने विश्व के सबसे बड़े एम्फीबियस विमान को लॉन्च किया? 24 दिसंबर 2017 को किस देश ने विश्व के सबसे बड़े एम्फीबियस विमान को लॉन्च किया? तो ये जो है सो चीन, चीन जो है सो 24 दिसंबर 2017 को विश्व के सबसे बड़े एम्फीबियस विमान को जो है सो लॉन्च किया है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, एम्फीबियन विमान ऐसा विमान होता है जो
हवा में भी उड़ सकता है तथा पानी पर भी तैर सकता है। ऐसा ही दुनिया का सबसे बड़ा विमान एम्फीबियंस विमान चीन ने AG-600 नाम से जो है सो लॉन्च किया था, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक नाम क्या है? आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक नाम क्या है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, ये जो है सो आधिकारिक तौर पर जो है सो श्रीलंका का पारंपरिक नाम है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स 1972 तक इसका जो है सो नाम सीलोन था, लेकिन 1972 में बदल कर लंका कर दिया गया। इसके बाद 1978 में जो है सो इसको श्रीलंका कर दिया गया, तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लौंग की खेती कहाँ होती है? लौंग की खेती जो है ये कहाँ होती है? तो ये जो है सो केरल में, केरल में जो है सो लौंग की खेती होती है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वंदे मातरम उपलब्ध है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वंदे मातरम उपलब्ध है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, आनंद मठ, आनंद मठ में जो है सो वंदे मातरम उपलब्ध है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, अकबर, अकबर जो है सो इस समय जो है सो भारत के शासक थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। फ्रेंड्स ये जो है सो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। पहला गवर्नर जनरल जो है सो थॉमस स्मिथ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अकबर का जो है सो शासनकाल था ये जो है सो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, रैंड, रैंड जो है सो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है? निम्नलिखित में भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, माल यातायात से आय, माल यातायात से आय जो है सो भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का स्रोत है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स भारतीय रेल एशिया का जो है सो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे के दो खंड है, पहला मालवाहन दूसरा सवारी, ये भी जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है सो आपको याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है सो कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। मुख्य चुनाव आयोग नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति करता है, परंतु इन्हें संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो ये जो है सो आपको याद रखना, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो है सो जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, तो ये जो है सबको याद रखना। फ्रेंड्स राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को एक साथ मिलाकर के जो है सो 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, तो ये जो है सबको याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक कहाँ किया गया था? तो ये जो है सो पोखरण, पोखरण में जो है सो भारत में प्रथम न्यूक्लियर
विस्फोट किया गया था। तो ये जो है सो आपको याद रखना, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इसका जो है सो कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध जो है सो इसका कोड नाम दिया गया था। तो ये भी जो है सो आपको याद रखना, ध्यान में रखना है। यह जो है सो 18 मार्च 1974 को किया गया था प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक। तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली। तो ये जो है सो आपको याद रखना है 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में जो है सो नेपोलियन को जो है सो अंत में पराजय मिला था। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहाँ से लिया गया है। कानून की दृष्टि में समानता यह जो है सो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो है सो ये लिया गया है। और ये जो है सो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का जो है सो अपडेट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पुरानी वीडियो ज़रूर जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको वहाँ पर जो है सो मिल जाएगा। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए, जो भी पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर किया कीजिए, जिससे उनको भी जैसो हेल्प मिल जाएगा। और भी हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों को दिया करेंगे डेली, आपका जैसो 8 बजे सुबह डेली जैसो सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।